हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये यहाँ पर गूगल शीट मैंने ओपन किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा आइए समझ लेते हैं। एक बार यहाँ से आते हैं और यहाँ पर चीजों को एंटर करते हैं। लाइक यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। एक छोटा सा आपको डेमो देकर बताता हूँ। नेम ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया यहाँ पर। और नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर उसकी प्राइस देनी है। तो प्राइस को हमें रखना है करेंसी, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा, तो यूनिट यहाँ पे कर देते हैं और फिर यहाँ पर कर देते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर दिया और कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर टैक्स टैक्स दे देते हैं, टैक्स इन परसेंट, ये लिख दिया टैक्स इन परसेंट। और ये जो टैक्स इन परसेंट होगा ये कैलकुलेट होकर टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो ये लिख दिया टैक्स अमाउंट, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट देने के बाद यहाँ पर चीजों के नाम हमें देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर चीजों के नाम दे देते हैं। लाइक यहाँ पर दे देता हूँ कीबोर्ड, तो ये लिख दिया कीबोर्ड। और कीबोर्ड देने के बाद फिर एंटर करके नीचे आइए, फिर यहाँ पे दे दीजिए माउस, MOUSE माउस हो गया, एंटर करिए नीचे आइए। फिर यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, लाइक लैपटॉप दे देते हैं, तो ये लिख दिया लैपटॉप। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं डेस्कटॉप। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हमने एंटर कराए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल, तो ये कुछ प्रोडक्ट के नाम हो गए। और अब यहाँ पर प्राइस आएगी, तो ये कीबोर्ड की प्राइस यहाँ पे 220 रख देते हैं, एंटर करते हैं। माउस की प्राइस यहाँ पे 120 रख देते हैं और एंटर करते हैं। नीचे आते हैं, लैपटॉप की प्राइस है यहाँ पर 56,000, तो ये 56,000 कर दिया हमने। डेस्कटॉप की प्राइस 30,000 है, तो यहाँ पे 30,000 कर दिया। मोबाइल की प्राइस है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 कर दिया। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद इसको हमें रुपीज वाले सिंबल में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे रुपीज में ये आए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो यहाँ से आप फॉर्मेट पे चले जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन रुपीज। तो बस इंडियन रुपीज बना दीजिए, हो जाएगा काम। ये हो गया। अब यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं, 6-7 कुछ इस तरीके से यूनिट्स हम एंटर करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी हमने एंटर करवा दिए। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू से कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट में शुरू होता है। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गई हैं, एंटर कर दीजिए, सारा कुछ आ चुका है। देख सकते हैं ये आ गया है। यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, सबका आ जाएगा। तो ये डबल क्लिक कर दिया हमने, सबका आ चुका है। अब यहाँ पे टैक्स इन परसेंटेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे 6 जो भी GST का स्लैब है उसी के मुताबिक 5%, 10% और 12% कुछ इस तरीके से जो GST का स्लैब हमारे यहाँ इंडिया में दिया गया है उसी के मुताबिक मैं इसको लगा भी देता हूँ, 18% कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं 21%, बाकी 28% के लिए जो प्रोडक्ट एंटर करना होगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन हम टैक्स इस तरीके से नहीं देना चाहते हैं, हम ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं। ये टैक्स जो है हम ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं, यही सवाल है। तो यहाँ पर इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, सेलेक्ट कर लिया। यहां से चले जाइए डाटा पर और फिर यहां से आपको मिल जाता है डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट फ्रॉम अ रेंज आ रहा है, लिस्ट ऑफ आइटम रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर लिस्ट ऑफ आइटम भी कर सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ आइटम कर देंगे तो यहां पर कॉमा दे दे करके लिखना रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं 12% दे देता हूं या 5% से स्टार्ट करते हैं, 5% यहां 5% लिखा, ठीक है, कॉमा देंगे, ठीक है, कॉमा दे दिया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा 5% लिखने के बाद कॉमा देने से क्या होगा, क्या एंटर करेंगे, एंटर करके नीचे आइए। फिर यहाँ 10% कर देते हैं, 10% जो चीज हमने वहां पे किया था वही सेम चीज यहाँ पर भी करना है। फिर 12% कर दिया, 12% के बाद यहाँ पे 18% कर देते हैं, ठीक है, 18% लिख दिया। फिर यहाँ पे चाहे तो 21% भी दे सकते हैं, तो ये 21% भी दे देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं इसको। तो ये सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, लेकिन हमें ये एक साथ नहीं चाहिए, समस्या यहीं पर है, ये हमें एक साथ नहीं चाहिए। तो क्या कॉमा दे देने से काम बनेगा क्या, जैसे आप एक्सेल पे करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, वापस से चलते हैं डेटा पर और यहां से आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पर। और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद इसको सही करना है, ठीक है, इन सबको इरेज कर देते हैं। यहां पर कॉमा देने से काम बनेगा क्या, दो लगा करके देखते हैं। यहां पर 5% किया, कॉमा 10% कर देते हैं, तो ये 10% भी कर दिया, कॉमा लगा करके दिया, इस बार हमारा काम बनेगा क्या। तो यहाँ पे ओके किया, आप देखिए यहाँ पर अब ये काम बन गया है हमारा, 5% और 10% आने लगा है। तो पूरा स्लैब आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ डेटा पे जाकर के, और फिर क्या करना है आपको, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, कॉमा लगा लगा करके देना है, ठीक है, एंटर नहीं करना है, कॉमा लगा लगा करके देना है। तो ये 12% कर देते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं 18%, ये 18% कर दिया, और फिर एट लास्ट आप कर देंगे 21%। तो ये 21% हो गया, बस काम हो गया है। यहाँ से सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे तो ये सारा कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब चलिए देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाई
यहां पर टैक्स इन परसेंटेज इसी से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे अभी फिलहाल जीरो आ रहा है क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया, यहां 5% जैसे ही करते हैं तो यहां पे 66 रुपए टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। 10% सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो टैक्स अमाउंट है आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहां पर 12% कर लेते हैं, फिर यहां पर 18% कर लेते हैं और यहां पर 21% कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कर लिया। अब यहां से हम इसको खाली ड्रैग करवा देंगे, तो ड्रैग करवाएंगे सब आ जाएगा। देखिए सारा टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके सामने आ चुका है। अब इस पे बॉर्डर बनाने की बात है तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप बॉर्डर बना सकते हैं। यहां पे चले जाइए, बॉर्डर बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर कलर में आए तो यहां से आप कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ब्लू कलर कर दिया मैंने, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।